हाय गाइस, सॉरी फॉर द वीडियो क्वालिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज हम लोग गंगूबाई का लुक करने वाले हैं. तो मैंने यहाँ पे अपने ज्वेलरी और इयररिंग्स पहन लिया है एंड ये मेरा व्हाइट टॉप है एंड जो अपने काम चलाओ जो सब करते और व्हाइट ओढ़नी डाल दिया है. तो फटाफट मेकअप स्टार्ट करते हैं और इस बार मैं वॉइस ओवर दूंगी. तो प्लीज मुझे बताना कि आपको कौन सा वीडियो ज्यादा अच्छा लगता है, वॉइस ओवर वाले या मैं मेकअप करते करते साथ में बोलती रहूं वो. ठीक है, आई नो थोड़ा कैमरा क्वालिटी खराब लग रहा होगा क्योंकि मैंने दूसरा फोन पे स्विच किया है. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट. मैंने यहाँ पे अपना इनसाइड प्राइमर लगा लिया है. इसके पहले मैंने अपना स्किन केयर एकदम अच्छे से कर लिया था, आप उसका वीडियो देख सकते हो आई बटन पे. तो यहाँ पे आपको जहाँ पे भी आपका पोर्स ओपन है ना, आपको वहाँ पे लगा लेना है. ठीक है, तो मैंने अपने चीक एरिया, फोरहेड और फिर चिन, अपर लिप्स के एरिया पे लगा लिया अच्छे से. ठीक है, इसको आप थोड़ा सेटल होने दो एंड जब ये सेटल हो जाता है तब आपको अपना फाउंडेशन लेना है. ठीक है, ये देखो मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है पता नहीं. तो मैंने यहाँ पे अपना फाउंडेशन ले लिया है ना. अब वी ऑलरेडी नो कि हम इसको मिक्स करते हैं एक मॉइस्चराइज़र के साथ जिससे आपको एक शेयर ग्लो आता है. मेरा मुंह देखना बस मेरा लास्ट फ्रेम में आपने मुंह देखा, पता नहीं क्या ही हो रहा था मुझे. ठीक है, मैंने इसको मिक्स कर लिया, डॉट फॉर्मेट में मैंने सब जगह लगा लिया. ये मैंने अपनी चीक्स एरिया पे, देन चिन एरिया, नोज एरिया. मुझे इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था ना नहीं बोलने के लिए क्योंकि मैं जनरली बोलती बहुत हूँ कुछ भी करने से, कुछ भी करते वक्त. तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी नॉट टू अटर अ वर्ड. ठीक है, नाउ मैंने यहाँ पे अपना डैम ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है ना, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया. पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतना फास्ट ब्लेंड कर रही हूँ. एनीवेज, और आप देखना थ्रू आउट दी वीडियो मैंने कितने मुंह बनाए हैं. ठीक है, यहाँ पे वो थोड़ा सा डैम्प हो गया और जो मैंने मिरर लाया एटलीस्ट यूज़ तो करूँ मैं उसको. तो मैंने यहाँ पे सब जगह अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है. ब्लेंडिंग में थोड़ा टाइम लगता है तो दिस इज़ एक्चुअल द रियल ट्रूथ. और मेरा एक्चुअली वहाँ पे एक फ़ोन भी रखा हुआ था जहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम का ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड करना था, ईच एंड एवरी स्टेप जो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो. पूरा वीडियो इंस्टाग्राम पे, छोटा सा यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाला है. सो ये और हाँ, इंस्टाग्राम का हैंडल है @the_beauty.top. तो मैंने इसको एकदम अच्छे से ब्लेंड कर लिया. आपने देखा मैं एक्चुअली उस दिन बहुत ही रात को लेट क्या बोल रहे रात को बहुत ही लेट शूट कर रही थी. क्या आपने वो देखा, रात को मैं एकदम लेट शूट कर रही थी तो उस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी करना था. नाउ यहाँ पे मैंने अपना कंसीलर ले लिया है, ये भी अपना मेबलिन का ही है, उसके लिफ्टिंग इफेक्ट में मैंने लगा लिया है. ठीक है, एंड देन आपको अपने अपर एरियाज पे लगाना है ताकि एकदम इवन दिखे. एंड ये मैंने कम्प्लीटली इसको यहाँ पे लगाने के बाद वी हैव टू ब्लेंड. ठीक है, तो अगेन मैंने अपना डैम ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया और उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. ठीक है, टू एंड फ्रो ऐसे भी कर सकते हो. ठीक, एकदम अच्छे से आप इसको ब्लेंड कर लो ताकि क्रीजेस या कुछ ना रहे. एंड मेक श्योर कि आपका जो बेस है अच्छे से ब्लेंड हुआ हो. ठीक है, नहीं है तो उसका एक ट्रिक है हमारे पास, डोंट वरी. तो मैंने यहाँ पे इसको कम्प्लीटली ब्लेंड कर दिया. ये गंगूबाई का लुक ना बहुत अच्छा है टू बी ऑनेस्ट. मैं आपको बताऊंगी आपको कहाँ रुकना है. अगर आप वहाँ तक भी फॉलो करोगे ना, आप वो इसको एज अ लुक कन्वर्ट कर सकते हो और बहुत सुंदर लुक आता है. ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना लूज पाउडर लिया है. लूज पाउडर का अल्टरनेटिव मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे जाना है डाला है तो आप आई बटन पे देख सकते हो. देन यहाँ पे लेट्स क्विकली डू दी आईब्रोज. यहाँ पे मैंने अपना पुली ब्रश लेके अपने आईब्रो को स्प्रेड कर लिया है. एंड नाउ यू हैव टू यूज दी आईब्रो डिफाइनर. सो यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का ले रही हूँ. एंड देन मैंने क्विकली अपने आईब्रोज को फिल कर लिया है. आप देखो आपको सिर्फ अपने आईब्रोज में ना कलर फिल करना है. एंड इफ़ यू विश आप एक ना लाइन ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, मतलब आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो. आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कैसे इसको फिल करते जा रही हूँ. एंड देन मैंने जो आगे के एरिया पे ना आपको एकदम लाइट हैंड से आपको फिल करना है. सो यहाँ पे मैंने क्विकली फिल कर दिया. कैन यू लुक एट दी आईब्रोज, आई एम इन लव विद द आईब्रो. सिमिलरली मैंने दूसरे साइड भी कर लिया है. मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ आगे के साइड ना. मैं जब भी आगे की साइड जाती हूँ ना एकदम हल्के हाथ से जाती. ठीक है, ये देखो आपको आगे की साइड एकदम हल्का जाना है एंड देन आप पीछे रेग्रेसिव हो सकते हो. ठीक है, ये मैंने ये भी कर लिया है. नाउ यू हैव टू अगेन यूज़ द पुली ब्रश जो मैंने ऑलरेडी अपने आईब्रो ट्यूटोरियल में बता दिया है. नाउ वंस दिस इज डन, मैंने थोड़े ना जब मैं आगे की साइड आ रही हूँ आप देखे होंगे मैंने वापस से उसको ना अप
अपवर्ड के तरफ मैंने उसको लिफ्ट किया, ठीक है। यहाँ पे मेरे एक्चुअली मेरे घर पे सब लोग आ जाते, उनको ऐसे लग रहा था पता नहीं मुझे क्या हो रहा है अंदर। एनीवेज मैंने एकदम लाइट शेड लिया है जो मेरे स्किन कलर का है अपने आई शेडो में से, एकदम बहुत ही कैनवस जैसा लगे इसलिए मैंने वो कलर यूज़ करके अपने आईज पे लगा लिया, ठीक है। एंड सिमिलरली मैंने अपने दूसरे आईज पे भी उसको अच्छी तरीके से एकदम फेदरली ब्लेंड किया है, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग अगेन द सेम थिंग एंड अपने थोड़े से ना वाटर लाइन वाले एरिया पे भी लगा दी ताकि थोड़ा इवन दिखे। क्या आप देख सकते हैं मेरी आँख कितनी इवन लग रही है, क्योंकि जो गंगूबाई का लुक है उन्होंने कुछ भी नहीं किया ना, आप अपने डेली लाइफ में भी सेम लुक यूज़ कर सकते हो, नॉट एन इशू। नाउ यर आई एम टेकिंग इन काजल, सो यर आर गंगूबाई इन मेकिंग स्टार्स। मैंने अपने वाटर लाइन पे इसको काजल को अच्छे से लगा लिया है एंड आप ये लुक मैंने बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप अपने डेली वेयर के लिए भी ले सकते हो। मैं आपको बताऊँगी आपको कहाँ रुकना है, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा मेरी आईज़ यू नो काफ़ी सेंसिटिव है काजल ये सबसे, तो मेरे आँख में ना लिटरली पानी आने लग जाता है। सो मैंने अपने दूसरे आँख में भी काजल लगा लिया है। नाउ वंस दिस इज डन, अभी यू हैव टू ना स्मज योर काजल, ठीक है। तो आप टू एंड फ्रो वही एरिया पे आपको ना आगे पीछे करना है। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे वापस से वैसे ही स्टार्ट कर रही हूँ, वही एरिया पे जहाँ आपने काजल लगा ना वहीं करो, वो अपने आप नीचे आ जाएगा स्मज होकर, बहुत सही लुक देगा, ठीक है। क्या आप देख सकते हो मैंने ये वाले आँख पे कैसे कैसे मिला लिया आपको, ये वाले अब मैं अपने राइट आई पे भी वैसे ही कर रही हूँ। सो क्लियरली टू एंड फ्रो आपको होना है, जस्ट मैंने आपको ये डेमो दे दिया है यहाँ पे एंड ये आप अपना स्मज लुक आप अचीव कर सकते हो, ठीक है ना। आपको अगर चाहिए ना तो आप ऊपर भी काजल लगा सकते हो, बट थोड़ा मुझे ऐसा लगा क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था एंड उसमें थोड़ा टाइम लगता मुझे, तो मेरे को लाइनर कंफर्टेबल पड़ा। बट आप लाइनर या काजल बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस यू कैन यूज़, तो मुझे जैसा लुक चाहिए था फटाफट आई कैन अचीव विद लाइनर। तो आपको ना सिर्फ अपना आई का शेप फॉलो करना है एंड इंश्योर जब भी आप लाइनर लगाते हो ना पहले आप पतले से स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि हमेशा हम सब ने ये प्रॉब्लम फेस की कि हम जब हम दूसरे आँख पे लाइनर लगाते हैं तो वो पहले आँख जैसा नहीं दिखता, मतलब सिमिलैरिटी नहीं होती है, तो आपको इवन करने के लिए कभी कभी बड़ा हो जाता है कभी कभी पतला हो जाता है। फ्रॉम स्टार्ट प्लीज़ इंश्योर कि आप एकदम पतला लाइनर लगा रहे हो, ठीक है। आप ये देख रहे हो लुक कितना मस्त उठ के आ रहा है, इवन तो मैंने ज्वेलरी पहना है सब ट्रेडिशनल एंड यू नो इवन इन द वेस्टर्न लुक इट कैन दिस लुक कैन कम्प्लीटली गो, ठीक है। नाउ आई थिंक दिस इज़ कम्प्लीटली डन। मैं आपको पूछ भी रही हूँ कैसा लग रहा है, बताना भी ज़रूर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना लाइनर लगा लिया है एंड देन अब मुझे थोड़ा सा ना क्योंकि मेरा फेस प्लेन लग रहा है तो मैं थोड़ा ना मुझे ब्लश चाहिए था एकदम लाइट, ठीक है। तो मैंने पिंक एंड ब्राउन को मिक्स करके और ये रही मेरी मुस्कान। क्योंकि मुझे थोड़ा लेट भी हो रहा था एंड देन यू नो दो जगह शूट करना था इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे, तो आपको ना जो ब्लश का एप्लीकेशन है वो आप एकदम लाइटेस्ट कलर लो, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ा सा पिंक एंड ब्राउन में चाहिए था मुझे, तो मैंने उसको वैसे कर दिया एंड देन मैंने अपने एजेस को शार्प कर दिया है सेम ब्राउन कलर यूज़ करके। मुझे नोज़ पे लगाना बहुत पसंद है सो मैंने इसलिए मैंने नोज़ पे भी लगा लिया, सो यू कैन जस्ट गो विद दिस कंप्लीट फ्लो, ठीक है। अब उसको एकदम ना आपको अच्छे से थोड़ा सा ब्लेंड करना है अपने ब्रश एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे अब शार्प करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया और उसको थोड़ा सा ना डैप कर दिया, ठीक है, ताकि ना स्किन में एकदम ढल जाए। ओके, ये वाला लुक आप किसी में भी कर सकते हो, ट्रस्ट मी। एंड नाउ मैं क्या करने वाली हूँ, ओके मैं अभी हाइलाइटर लगाने वाली हूँ, ठीक है। हाइलाइटर थोड़ा सा ही मुझे लाइट हाइलाइटर लगाना था, इतना ज़्यादा मुझे चमकी नहीं लगना था बिकॉज इट वॉज़ अ नेचुरल लुक यहाँ तक, आगे आप देखना, ठीक है। तो मैं थोड़ा नोज़ पे भी लगा दें, यू नो गर्ल्स कैन नेवर बी यू नो लिमिटेड विद द हाइलाइटर, दे जस्ट लव इट, ठीक है। तो मैंने अपने नोज़ एरिया अपर लिप्स एंड देन चीक एरिया पे हाइलाइटर लगा दिया एंड नाउ ये रहा हमारा लिपस्टिक। तो मैंने यहाँ पे अगेन पिंक कलर का लिपस्टिक यूज़ किया है एंड देन आई अंडरस्टूड कि नहीं कैमरे में नहीं देख के होगा, तो मैंने अपना जेरी वाला मिरर जो ख़रीदा है यूज़ तो करूँ, तो मैंने वो मिरर ले लिया है। सो यहाँ पे लिपस्टिक लगाने के बाद आई रियलाइज्ड कि ये थोड़ा सा ना गंगूबाई लुक के लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है। यहाँ पे देखो मुझे अभी क्लिक भी होने वाला है, ये देखो क्लिक हुआ मुझे एंड देन एक आइडिया मैंने यूज़ किया कि मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड जो है वो मिक्स कर दिया। पहले मैंने सोचा डैप करके करूँ बट मुझे लगा नहीं बहुत टाइम जाएगा, तो मैंने फटाफट लगा दिया, ठीक है। क्योंकि जो गंगूबाई का लुक था ना ये वाला, वो थोड़ा सा उनकी जो लिपस्टिक थी वो इट वॉज़ टू लाइट, ठीक है, जो आलिया ने लुक किया था एक्चुअली। तो यहाँ तक मेरा जो भी लुक है ना आप अपने डेली वेयर के लिए फॉलो कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक है, ठीक है।
एंड देन यहाँ पे क्योंकि गंगूबाई का यहाँ पे एक यू नो ब्लैक मार्क था, तो मैंने वो काजल से सिमिलरली एक प्लस बना लिया। अब देखो यहाँ पे और कोई आया, उन्हें मेरी बहुत फिक्र होती है कि मुझे कुछ हो ना गया हो अंदर, कब से बैठी हूँ। सो लोग आते जाते रहते हैं। एनीवेज मैंने ये काजल से लुक किया, अब मुझे बिंदी बनानी है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अपना रेड लिपस्टिक यूज़ किया। नाउ मैंने पहले तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि दिस वॉज द मेन थिंग एंड एक लुक ख़राब भी कर सकता है, मेरे को फिर वापस करना पड़ता। तो मैंने ना इसको सर्कुलर मोशन में मैं घुमाते गए, मुझे लिटरली हंसी आ रही थी क्योंकि मैंने कभी अपने आप को ऐसा देखा नहीं है, यू नो। एंड देन क्योंकि मैंने एक बार राउंड बना लिया, तो मुझे उसके थोड़े ना एज को सर्कल करना पड़ेगा, तो मैं खाली एजेस में ना वो लिपस्टिक घुमा रही थी। एंड दैट्स हाउ दिस लुक्स गाइस। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था बिकॉज डेफिनेटली मैं बिंदी ये सब नहीं लगाती हूँ। एंड देन दिस इज हाउ आई एम लुकिंग। अभी अपना बाल वाल सब एकदम टाई करके मस्त आपके सामने आती हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग गाइस। सो प्लीज़ टेल मी कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा, एंड डू यू लाइक वॉइस ओवर वीडियोज़, या फिर मैं आपको मेकअप के साथ ही वीडियो बताते रहूँ। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना, मुझे कॉमेंट करना कि विल यू ट्राई दिस लुक, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टा।